अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंटेंट राइटिंग क्या है, इसका बड़ा शोर सुनते हैं कि इसके इसके जरिए पैसे कमाए जा सकते हैं, तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? देखिए, कंटेंट राइटिंग है ना, बेसिकली ये फ्रीलांसिंग की एक जूज है। उसका फ्रीलांसिंग एक इंडस्ट्री है, उसमें एक डिपार्टमेंट है इसका, कंटेंट राइटिंग का। तो कंटेंट राइटिंग ये होती है कि आप किसी भी इंडस्ट्री या फर्म का आप उसका मटेरियल उसको देते हैं किसी शेप में। जैसे आप उसको कैटलॉग की शक्ल में दे सकते हैं, आप उसको उसकी हिस्ट्री बुक बना के दे सकते हैं, आप किसी भी हवाले से उसको जो भी मटेरियल चाहिए आपने उसको एक शेप दे के देना है, ठीक है, एक शेप में लाना है, ये कंटेंट राइटिंग है। तो कंटेंट राइटिंग से जी पैसा कैसे कमाया जा सकता है? ये कंटेंट राइटिंग तो ये हो गया ना, किसी के लिए आप कुछ भी लिख के डिज़ाइन करके उसको दे दें, तो एक्चुअली कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स कौन है, मतलब बाय कौन करता है ये चीज़ें? बेसिकली इसमें इंडस्ट्री इन्वॉल्व है जो मेजर है। पाकिस्तान में तो बहुत कम है इसका, पाकिस्तान के अंदर मतलब डिमांड है लेकिन लोग पे नहीं करते कंटेंट राइटिंग पे ज़्यादा। लेकिन आपको इसका मेजर जो क्लाइंट मिलेगा वो फाइबर अपवर्क पे मिलेगा, यानी ऑनलाइन क्लाइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। फिजिकल क्लाइंट्स कम है? फिजिकल क्लाइंट्स तो बहुत कम है, अगर वो मिल भी जाते हैं तो वो आपको पाकिस्तान में हमारा बड़ा इशू है कि वो पे नहीं करते। मतलब जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए अगर हम यूँ समझें कि 3 पेजेस पे अगर मैंने किसी को लिख के देना है, तो पाकिस्तान में अगर मैं किसी इंडस्ट्री को ऑफर करूँगा तो वो हमें मैक्सिमम 5,000 देंगे, ठीक है। वही हम अगर फाइबर और अपवर्क को अगर उस पर अपनी गिग पर लगाते हैं तो आपको ईजिली वहाँ से $100 मिल जाता है। जो यहाँ पे 5,000 रुपया देने को तैयार नहीं, तो वहाँ पे आप समझते हैं कि 25,000 रुपये तक यही कंटेंट या इससे मिलता जुलता, ये बिगनिंग लेवल का है, बिगनर्स। हाँ, अगर आपको एडवांस लेवल की कंटेंट राइटिंग आती जो इनफॉर्मल है, जैसे फॉर्मल ये होती है कि आपने गूगल से उठाया और आपने उसको कॉपी पेस्ट मार के थोड़ी सी एडिटिंग करके आपने उसको लगा दिया, ये है फॉर्मल, ठीक है, जो रस्मी तरीके से करते हैं। इनफॉर्मल ये है कि आपको बाकायदा लैंग्वेज आती है, आपको बेसिक्स का पता है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आप रिसर्चर हैं, आपकी सेल्फ मेड राइटिंग है वो इनफॉर्मल है। और इनफॉर्मल की जो चार्जेस शुरू होते हैं वो $500 से स्टार्ट होते हैं। वाओ, फाइबर अवर पे। अगर इसमें इतना पैसा है और वाकई कमाया जा सकता है, तो कैसे सीखें कंटेंट राइटिंग? जाहिर है सीखे बगैर तो ये नहीं आएगी। हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग? इसमें जो फॉर्मल है ना वो तो आप एक मंथ के अंदर सीख सकते हैं फॉर्मल। आजकल नॉर्मली ज़्यादा फॉर्मल चल रही है, तो जो इनफॉर्मल है उसके लिए आपको पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप इनफॉर्मल सीख सकते हैं। लेकिन ये 1-2 महीने का मतलब काम है, इससे ज़्यादा का नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इदारे होंगे जो ये सिखा रहे हैं या कम है? बिल्कुल सिखा रहे हैं। अब कंटेंट राइटिंग का आहिस्ता ऐसा स्कोप बढ़ रहा है, स्कोप बढ़ रहा है। आपके पास कंटेंट राइटिंग के कितने स्टूडेंट हैं? हमारे पास अभी फर्स्ट बैच है कंटेंट राइटिंग का। फर्स्ट बैच? हाँ, फर्स्ट बैच। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास? तकरीबन 12 स्टूडेंट्स हैं। 12? और आप क्या चार्ज करते हैं एक स्टूडेंट का? 15,000 रुपये। कितने महीने का कोर्स है? वन मंथ। फॉर्मल? अच्छा, फॉर्मल। 15,000 रुपये में कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद वो कितना टाइम चाहिए उसको पैसा अर्न करने के लिए? देखिए, अगर कोई समझदार स्टूडेंट है ना, तो हम ये समझते हैं कि वो आफ्टर 20 डेज भी वो अर्निंग स्टार्ट कर सकता है, ठीक है, 20 दिन के बाद। हाँ, 20 दिन के बाद। अगर कोई लेज़ी है, वो उसकी अपनी लेजीनेस है, तो वो बहुत मुश्किल है कि वो 2 साल बाद भी शायद अर्निंग कर सके। तो आपने कोई स्क्रूटनी लेवल सिस्टम रखा हुआ है कि ये बंदा जल्दी अर्न कर जाएगा, इसको ले लेना चाहिए, और ये नहीं कर सकेगा या लेट करेगा, इसको नहीं लेना चाहिए? हम जॉब्स देते हैं इस हवाले से अपने स्टूडेंट्स को, हमें पहले से पता होता है, हमें 1 वीक के अंदर पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट उसमें कितना पोटेंशियल है। तो जो अच्छे होते हैं या टॉपर्स होते हैं उसके लिए आप यानी खुद जॉब दे देते हैं उसे? बिल्कुल, उसको हम पहले ही कर लेते हैं, हमें पता होता है। हमने अमेजोन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉब दी है, फ्रीलांसिंग की, डिजिटल मार्केटिंग में दी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में दी है, तो हमें पहले वीक से पता चल जाता है, तो हम फौरन उसको कर लेते हैं। कितने लोगों को आप जॉब्स देंगे? मतलब एक वक्त आता है कि जब सैचुरेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं और जो अच्छे भी होते हैं, और सभी को जॉब्स नहीं दी जा सकती, तो उस सूरत में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, यानी वो क्या ऐसा करें कि पैसा कमाने लगें? देखिए, वो सबसे पहले ये है कि वो सोशल मीडिया ज्वाइन करें,
ग्रुप्स ज्वाइन करें, कंटेंट राइटिंग के ग्रुप्स पड़े हुए हैं, फाइवर अपवर्क के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे वो अपनी गिग्स लगाएं, अपनी पोस्टें लगाएं, मार्केट से कम चार्जेस ऑफर करें। तो शुरू में मैं ये समझता हूँ कि 2 मंथ्स उनको फ्री सर्विस देनी चाहिए। फ्री सर्विस, हाँ, हम 2 मंथ फ्री सर्विस लेते हैं। तो 2 महीने में घर का चूल्हा कैसे जलेगा? देखिए, ये स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट तो एक लर्निंग फेस में है ना, वो ऑलरेडी उसको पेरेंट्स फीड कर रहे हैं। यस यस, ठीक है ठीक है, हाँ, तो वो इतना कर सकता है इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि एवरेज बंदा कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद अर्निंग करने लग जाता है या उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना रहता है? अगर उसकी इंग्लिश नॉर्मल है, ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है, तो वो फॉर्मल कंटेंट राइटिंग से अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। आप उनको ये भी सिखाते हैं कि हाउ टू हंट कस्टमर्स, या सिर्फ उनको बस ये सिखाते हैं कि हाउ टू कंटेंट राइटिंग? नहीं नहीं, हम हमारे जितने भी कोर्सेज हैं हम उसमें बूस्टर लेक्चर देते हैं लास्ट। बूस्टर लेक्चर्स, हाँ, उस बूस्टर लेक्चर्स का मकसद होता है कि स्टूडेंट्स को बताना कि अब आपने स्किल को पॉलिश कैसे करना है, मार्केट में इसको सेल आउट कैसे करना है। उसके लिए हम अमेज़ॉन के हवाले से हो या फ्रीलांसिंग की कोई भी फील्ड हो, उस पर हम पहले तो जो कोर्स उसने पढ़ चुका होता है वो हमसे उसको रिवाइज करते हैं बूस्टर लेक्चर में। सेकेंडली हम उसको ये करते हैं फाइबर और अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाना, गिग कैसे रैंक करनी है वो बताते हैं। थर्ड पे हम उसको SEO सिखाते हैं। SEO, हाँ, कि आपने अपनी गिग को कैसे रैंक मिलाना। ओके, ये तीनों चीज़ें। बहुत शुक्रिया। आपका टेलीफोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो दोस्त रابطہ करना चाहें वो رابطہ कर सकते हैं। थैंक यू। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।